दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम, और ये आई एम श्योर बहुत से बच्चे ये चीज ढूंढते होंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूँ कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेस करने के लिए अगर हम आर्ट्स के स्टूडेंट नहीं है तो हमसे नहीं हो पाएगा। आप साइंस के स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं जो इक्विवेलेंट हो ग्रेजुएशन की डिग्री के लिए। उसके बाद ये भी जरूरी नहीं कि आपके पास पैसा है नहीं है, आप कोचिंग ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी इंटरव्यूज मैंने देखे जितने भी टॉपर्स के, उन सब में एक भी टॉपर ने ये बात नहीं कही कि कोचिंग का लेना इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ, उन्होंने ये बात जरूर कही कि जरूरत पड़ सकती है आपको, लेकिन पैसे की कोचिंग लेना ये इंपॉर्टेंट नहीं। मैं समझ नहीं पाया इस बात से। तो जब मैंने जानने की कोशिश की तो मैं उन्होंने कहा कि यार इंटरनेट पर बहुत सारे वीडियोज होते हैं चैप्टर वाइज, अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम है, रीजनिंग में प्रॉब्लम है, जीके में प्रॉब्लम है, सबकी वीडियोज अवेलेबल है यूट्यूब पर अगर आपके पास पैसा नहीं है। अब बात करते हैं दोस्तों पढ़ने के रिगार्डिंग। ऐसा कहा जाता है कि आपको 17 आवर्स 16 आवर्स पढ़ना ही पड़ेगा पर डे। दोस्तों उन सब ने एक बात कही कि ज़्यादा पढ़ने से कोई टॉप नहीं करता या पास नहीं करता एसएससी या यूपीएससी। आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लें, 16 आवर्स पढ़ लें, 15 आवर्स पढ़ लें। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो 16 आवर्स पढ़ के ही फेल होते हैं। आप ज़्यादा मत पढ़िए, रेगुलर आप 7 आवर्स 8 आवर्स सेल्फ स्टडी को दीजिए, और जो भी चीज़ पढ़िए उसे डिटेल में जाइए हमेशा, चाहे आप सेल्फ स्टडी में हो, कोचिंग सेंटर में हो, कहीं भी हो, उसकी डिटेलिंग में हमेशा ज़रूर जाइए। और दूसरा इन सब में एक और बात निकल के आई कि उन्होंने कहा कि हम हर बार बुक चेंज करते रहते हैं कि नहीं इस बुक से नहीं पढ़ना, ये वाली बुक ले लेता हूँ, मेरा फ्रेंड तो कह रहा है ये वाली बुक बहुत ज़्यादा बेटर है, इस बुक से पढ़ते हैं, इंग्लिश के लिए तो ये रिफ्रेशर बड़े बेस्ट हैं। उन्होंने कहा कि ये गलत सोच है, जो बुक आपके पास है वो बेस्ट है। जरूरी नहीं कि आप तीन बुक पढ़ें, आप एक ही बुक को तीन बार पढ़िए, आई एम श्योर कि सारा पेपर उसी से आएगा। बट बशर्ते एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी पढ़ें उसे डिटेल में रहिए, अपने नोट्स को हमेशा मेंटेन रखिए, इस तरीके से मेंटेन रखिए, उसमें सुंदर वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, इतना लिखिए कि जब आप दोबारा पेज पलटें तो आपको क्लियर समझ आ जाए कि आप किस तरीके से लिखना चाह रहे थे और उस वर्ड के क्या क्या मीनिंग हो सकते थे। हमेशा अपने नोट्स को संभाल के रखिए। और दोस्तों मेरी एक बात जरूर ध्यान रख लेना कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजर, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बना आसियाना, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो आप अगर ये सोच के रह जाएंगे कि यार मेरा एक अटेम्प्ट नहीं हो पाया, या मैं एक सब्जेक्ट में रह गया, या मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, मेरा रिटर्न रह गया, इन सब चीज़ों की वजह से आप मुंह मोड़ लेंगे, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी असफलता है हमारी। मैंने पहले भी कहा था कि रेसलिंग में अगर एक शख्स गिर जाता है और रेफरी के एक दो तीन गिनने में उड़ जाता है तो उसके लिए तालियां नहीं बजती, तालियां उसके लिए बजती हैं जो 8वें 9वें नंबर पर उड़ता है। अगर आपके एक दो अटैम्प्ट हो भी चुके हैं तो कोई बात नहीं, लगे रहिए। आई एम श्योर कि इस बीच आपके मन में बहुत से बात आते होंगे कि यार सब कुछ पैसे से चलता है, पैसे देने पड़ते हैं। तो मेरी एक बात ध्यान रख लेना कि ऊंचे पद पे वो लोग भी मेहनत से जाके बैठे हैं जिन्होंने कभी ये सोचा होगा कि भाई फुल पैंट बड़ा है तो इसलिए 500 का होगा और हाफ पैंट छोटा है तो 250 में मिल जाएगा। तो हम में से ही वो लोग हैं जो मेहनत करके आगे गए हैं, ऐसे ख्याल आते होंगे मन में, आई एम श्योर सबके आते हैं। निकालिए इन चीज़ों को, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होते, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। तो अपना बेस्ट देके तो देखिए, आई एम श्योर कि जितने बच्चे जिस सब्जेक्ट में आप एग्जामिनेशन में रह जाते हैं, भले हम एक दूसरे से कह लें क्या मेरा अटेम्प्ट नहीं क्लियर हो पा रहा, लेकिन हम खुद से जानते हैं कि हम में कहीं ना कहीं ये कमियां रह गई हैं। सभी की बातों में मुझे एक बात जरूर लगी, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, और आज के टाइम पे आप जरूरी नहीं सिर्फ स्टूडेंट होंगे, आप प्रोफेशन में भी हो सकते हैं, उसके साथ आप ये एग्जामिनेशन क्लियर करने की सोच रहे होंगे, तो आई एम श्योर टाइम टेबल बनाना बड़ा ही मुश्किल रहता है। लेकिन आप क्या ये कर सकते हैं कि मुझे 7 आवर्स पढ़ने हैं, 10 डेज 20 डेज, इस तरीके से चलिए कि 7 आवर्स पढ़ने हैं, कब पढ़ रहा हूँ क्या पढ़ रहा हूँ ये फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही आप 10 दिन 15 दिन निकाल लेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि मेरा टाइम टेबल क्या है, मैं किस तरीके से चल रहा हूँ। क्योंकि ऐसा होता है स्टार्टिंग में, जब इस चीज़ में एडमिशन लेते हैं तो आप अपनी बुक सामने रख के चलते हैं, जैसे ही एक दो अटैम्प्ट रह गया तो छुपा के लेके जाते हैं, कोई देख ना ले यार ये बार बार अभी तक गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहा है। ये रियलिटी है, हर फील्ड में हो सकता है, लेकिन लगे रहिए इस चीज़ में। जितना पढ़े ज़्यादा मत पढ़िए, कम पढ़िए लेकिन डिटेल में पढ़िए। ये वाला अटैम्प्ट नहीं दे पाए कोई बात नहीं, अगला अटैम्प्ट देंगे, लेकिन जब भी देंगे बेस्ट देंगे, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज़ होती है। अपने आप पे भरोसा रखिए और अपने आप से कहिए कि क्या जो मैं ये अटेम्प्ट देने जा रहा हूँ क्या मैं प्रिपेयर्ड हूँ पूरा, नहीं हूँ तो कोसिए मत, दोबारा से मेहनत करिए, आगे बढ़िए। और होगा कैसे नहीं, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमसे छूट गई भाई, खुद बताओ। हमारा मैथमेटिक्स वीक हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो अच्छा नहीं बनेगा। अरे वीक था ना, हम उस सब्जेक्ट से नहीं थे, लेकिन पढ़ेंगे इतना भी क्या आ गया। यूपीएससी के टॉपर ने एक बात कही थी कि सर टॉप करने के लिए ना पढ़ना जरूरी नहीं है, उसके लिए एक जुनून की जरूरत होती है, 50% काम तो यहीं पे हो जाता है। तो मैथ्स में वीक है, इंग्लिश में वीक है, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, जो टाइम हम दे रहे हैं क्या वो सही से दे रहे हैं, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों मैं भी एक टीचिंग प्रोफेशन में ही रहा, स्टूडेंट भी रहा ऑब्वियसली, तो मुझे खुद पता है। तो ऐसा होता है हमारे साथ,
अरे कोई चीज 3 घंटे में समझ नहीं आएगी, 6 घंटे में आएगी, 7 घंटे में आएगी, इतना भी क्या कि समझ नहीं आएगी। तो दोस्तों लास्ट में मैं 5 टिप्स जरूर बताना चाहूंगा। कुछ नया पढ़िए ना पढ़िए, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उसके रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। दूसरा, अपने आप में एक रेगुलरिटी हमेशा रखिए और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करिए, क्योंकि उन सभी ने एक बात यही कही कि टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर टेस्ट पेपर। जितना आप इसके नज़दीक जाएंगे ये इतना और इजी होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप सॉल्व करेंगे आपके पास होने के या रैंक होल्डर बनने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे, और मेरा खुद का ऐसा मानना है। मैंने कई वीडियोज़ में, आप इससे पहले बहुत सी वीडियोज़ हैं आप लोगों के लिए, आप देखिए कि मैंने टेस्ट पेपर पे कितना जोर दिया, क्योंकि टेस्ट पेपर हमें कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस देता है। जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे तो आपको 1% भी फील नहीं होगा कि पहली बार आ रहा हूँ, ये लगेगा यार ये रेगुलर था। जितना ज़्यादा आप मोर एंड मोर टेस्ट पेपर देंगे आपको उतना ही परफेक्ट बनाया गया। तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टेस्ट पेपर, और इसे आप जरूर दीजिए, वीक में 3 तो रखिए रखिए। और दोस्तों बहुत सी बातें जो मैंने शुरू में आपको बताई हैं इन सब चीज़ों पर ध्यान रखिए। आई एम श्योर कि सारी बातें आप जानते होंगे, लेकिन ये ज़रूरी है इसे जानना नहीं, इसे समझना और अप्लाई करना। अप्लाई करिए, और दुनिया क्या कहती है क्या नहीं उसे छोड़िए। और उन सब के लिए एक बात हमेशा मन में रखिए कि मेरे अकेलेपन का मजाक बनाने वालों, जरा ये तो बताओ कि जिस भीड़ में तुम खड़े हो उसमें कौन तुम्हारा। तो कोई किसी का यहाँ नहीं है, तुम अच्छे हो तो दुनिया तुम्हें अच्छा कहेगी, और जिस दिन कुछ नहीं बन पाए तो हर कोई तुम्हें कोसेगा।